हरियाणा के सोहना से बीजेपी उम्मीदवार संजय सिंह से हमारे सहयोगी प्रवीण शर्मा ने खास बातचीत की है। किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव में उतरे हैं और सोहना को लेकर उनकी प्लानिंग क्या कुछ है, आइए जानते हैं। R9 की टीम पहुंची आज सोहना विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रत्याशी संजय सिंह। उनसे जानते हैं किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। संजय जी, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, पिछला मैनिफेस्टो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जारी किया, मैं समझता हूँ 95% उस मैनिफेस्टो पर काम करके जो घोषणाएं माननीय मनोहर लाल जी ने की, जो नीतियां भारतीय जनता पार्टी की थी, हमने वो लागू की हैं। उसके अलावा बहुत सी ऐसी जन नीतियां, बहुत से ऐसे सामाजिक नीतियां, चाहे वो हर प्रकार, चाहे विकास की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, जो नई पॉलिसी माने मुख्यमंत्री जी ने जो लागू की है, चाहे ट्रांसफर पॉलिसी की बात हो, तो पूरा प्रदेश एक खुशहाल प्रदेश बनकर के जो सामने आ रहा है। आज हरियाणा का एक एक बच्चा माननीय मनोहर लाल जी के पिछली सरकार में किए हुए कार्यों का गुणगान करता हुआ हर रोड पर नजर आता है, हर गांव में, हर चौराहे पर, हर चाक चौबंद पर माने मुख्यमंत्री जी के कामों की सराहना हो रही है। जैसे तावड़ू की बात करें तो तावड़ू जो आपकी विधानसभा क्षेत्र में आता है, बड़ी लंबे समय से मांग रही है कि इसको एक जिले में किया जाए। आपकी विधानसभा दो जिलों में कटती है। जहां तक जिले की बात है, मैं समझता हूं हमारे लोगों की डिमांड है। मैं पीछे नूह से विधानसभा का चुनाव लड़ा, हमने भी इस पर प्रयास किया, लेकिन आने वाले समय में इलाके की जनता ने विश्वास जताया और मैं समझता हूँ 100% विश्वास भी जताएगी। जिस प्रकार का प्यार मुझे इस क्षेत्र में मिल रहा है, इस क्षेत्र से मेरा बहुत पुराना लगाव है, मेरा जन्म का कहते हैं बचपन का लगाव इस क्षेत्र से रहा है। जो ये समस्या है, इसको 100% दूर करवाएंगे। तो ये थे हमारे साथ संजय सिंह, भाजपा प्रत्याशी, जिनका कहना है कि हम उन सुविधाओं को जो गुड़गांव जैसे शहर में, वही सुविधाएं सोहना विधानसभा में भी उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने दिनेश कुमार के साथ, प्रवीण शर्मा, R9 TV सोहना।